राव साहब की न्यू मर्सिडीज कार का गंदा एक्सीडेंट हो चुका है। ओ नो, एलविश यादव की न्यू मर्सिडीज कार का काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ पे होंडा सिटी पूरी जल के खाक हो चुकी है, देख सकते हो। ओ नो बीट्स, तो भाई आगे से पूरा सिस्टम हिल गया है मर्सिडीज का। ओ नो बीट, आगे से देख सकते हो भाई मर्सिडीज का लोगो भी पूरा टूट चुका है। सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप करता हूँ सब मजे में होंगे। एक और जीडीवाई की ब्रांड न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। तो गाइज, अभी अभी चौप की सर्विस कर रहे थे। अब सर्विस कैसे कर रहे थे, जो चौपड़ी है उसको निला रहे थे, धिला रहे थे और उसको खिला भी रहे थे। तो भाई साहब देख सकते हो अपने चौप, भाई साहब तो बिल्कुल खा पी के तंदुरुस्त हो चुके हैं। देखो कितना मोटा सा हो गया, बिल्कुल गब्बर शेर हो गया, बब्बर शेर हो गया। क्या बात है, क्या बात है चौपड़ी। ओ ये इधर आ भैंस की टेंट। अरे काम आ रहा है, अरे पानी में मत गिर जाइए, तेरी भैंस की टेंट मैंने निकाल रहा। अब तेरे को दोबारा बार बार नहाने का तेरे को चस्का चढ़ा हुआ है। तो गाइस देख सकते हो चौप काफी ज्यादा मजे मार रहा है यहाँ पे, देख सकते हो भाई साहब। तो मेरे को अभी काफी एक मतलब गंदी न्यूज भी आई है, एक बैड न्यूज मान सकते हो। अब हुआ है क्या भाई साहब, कल रात को हुआ है ये इंसिडेंट भाई साहब। अपने जो कटारिया भाई साहब है वो चला रहे थे एलविश भाई की नई जो मर्सिडीज कार है, और उसका सिस्टम सेट कर दिया उन्होंने। अब सिस्टम कैसे सेट कर दिया, क्योंकि गाइस वो काफी ज्यादा रफ्तार से चला रहे थे, लक्ष्य भाई वगैरह सब बैठे थे उसमें, तो भाई उसका एक्सीडेंट हो चुका है। अब जाके देखना पड़ेगा, हमें सेटलमेंट करवानी पड़ेगी कि एक्सीडेंट कितना बड़ा हुआ है, कितना नहीं हुआ। जो भी सेटलमेंट हुई है हमें जाके देखना, सारी चीजें तुम्हारे भाई को ही देखनी पड़ती है, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है। तो भाई साहब पुलिस वालों से जाके बात करनी है, सब कुछ सेटलमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि एलविश भाई की न्यू मर्सिडीज कार का हो चुका है एक्सीडेंट काफी खतरनाक वाला। तो अब जाके भाई मतलब सेटलमेंट करनी पड़ेगी, पुलिस वालों को मनाना पड़ेगा, पैसा वैसा देना पड़ेगा। तो एलविश भाई ने कहा कि भाई फ्रैंकलिन मेरी गाड़ी को छुड़वा दे फटाफट, मेरे को ना उस गाड़ी से काफी ज्यादा प्यार है, और मैंने काफी मतलब कुछ दिन पहले ही लिए वो वाली गाड़ी। तो भाई साहब उस सब चीजों को देखते हुए मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, एलविश भाई अब वैसे भी नेता वेता बनी रहे तो थोड़ा बहुत काम करेंगे, तो आगे हमारे बिजनेस में वो भी काम आने वाले, तो काफी खतरनाक सीन होने वाला है। तो बस थोड़ी देर में यहां से निकलने वाले, अपनी स्कॉर्पियो आ जाए। स्कॉर्पियो देखा आपको काफी दिन हो गए, अपने लमार लेके आ रहा, थोड़ा सा धुलवाने के लिए भेजा है, बस थोड़ी देर में वो आ जाएगा, फिर बस चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। जितने नादों के मैं रेडी हो जाता हूँ, जितने आपको भी एक काम कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो, जितने मैं मिलते हैं आप सब लोगों से। तो लेट्स गो। सो गाइस देख सकते हो अपनी नई स्कॉर्पियो आ चुकी है, स्कॉर्पियो क्लासिक। ओ ये क्या बात है भाई साहब, देख सकते हो टायर वायर मोटे करवा रखे, लमार रखे थे, गेड़ी मार रहा आजकल काफी खतरनाक वाली। मतलब कॉलेज के टाइम पे मतलब कि जाना पड़ेगा लमार की क्लास लेने, क्योंकि भाई साहब बदमाशों वाली गाड़ी करा रखे, देख रहे हो कभी ब्लैक जेड शीशे, मर्सिडीज के अलॉयज और सिस्टम लिखवा रहेगा पीछे कते ही। भाई साहब ये सिस्टम हैंग करते जा रहे हैं हमारे लमार भाई साहब भी। लमार की शादी वादी करवानी पड़ेगी यार, क्योंकि भाई साहब ये ना ज्यादा बदनाम सा हो रहा है आजकल ना, इसको जारी मारने के अलावा कुछ काम नहीं है, कॉलेजों के बारे पीछे गेड़ी मारता रहता है। तो भाई साहब देखो स्कॉर्पियो को क्या बना रखा है, हवाई जहाज सा बना रखा है। अरे भैंस की टेंट भाई साहब, ये आंटी कैसे चला रही है यहाँ पे अपनी पोर्शे को, क्या बात है भाई। पोर्शे का भी क्रेज बढ़ गया जब से एलविश भाई ने ली थी, पर उन्होंने तो अब बेच दी है मर्सिडीज ली है उसका। यहाँ पे भाई काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है। बाकी ओ हो सामने देखो हवा हाकार, क्या बात है, क्या बात है, काफी खतरनाक गाड़ियां आ रही है शहर में भाई। ये जो छत खुलने वाली, जो ऊपर की ये सनरूफ वाली खुलने वाली गाड़ी आती है ना भाई, ये तो भाई साहब काफी ज्यादा चल रही है। और भाई साहब क्या बात है, क्या बात है, इधर पिकनिक मनाने आ गए लड़के भाई, बढ़िया बढ़िया, चलो पिकनिक तुम भी बना लो कुछ दिन। आज मैं डंडे नहीं मार रहा इनको, क्योंकि भाई साहब आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है झगड़ा करने का, क्योंकि सुबह सुबह इतना गंदा सीन हो चुका है ना, एलविच भाई की जो मर्सिडीज है उसका काफी गंदा एक्सीडेंट हो चुका, तो मैं अब कोई भी सीन नहीं चाहता जैसे कि आपको पता ही है। पर कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, अभी सिस्टम बिठाने तो हम जा रहे हैं, जैसे कि अपनी स्कॉर्पियो चल रही है, क्या बात है, क्या होता है, लेकिन सिस्टम हैंग करते हुए चलती है। ओ ये भाई 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 आराम से चलना पड़ेगा, क्योंकि हम एक और एक्सीडेंट अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि भाई साहब अभी इलेक्शन में पूरा पैसा खर्च होने वाला है हमारा, क्योंकि हम दोनों पार्टियों पे मतलब कि वो करेंगे ना खर्चा, क्योंकि माइकल भाई भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और एलविश भाई तो हमारे है ही फिर चाहिए थे। तो भाई साहब माइकल से भी हमें थोड़ा रिश्ता निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब अगर दोनों से रिश्ता तोड़िए और माइकल जीत गया तो भाई साहब फिर तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। मेरे बिजनेस में मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि दोनों में से किसी एक को जिताना और फिर हमें भाई अपना न्यू बिजनेस ओपन करना है, तो काफ़ी माइंडेड गेम खेलने पड़ेंगे मुझे दोनों साइड से। बाकी आपने देखा एलविश भाई को टिकट मिल चुका है, माइकल को भी अभी टिकट दिलवाना बाकी है, तो उसकी भी रैली काफ़ी जल्दी आएगी। बाकी स्कॉर्पियो क्लासिक का देख सकते हो भाई लुक कितना प्यारा हो गया, और भाई साहब कितनी शानदार जानदार लग रही है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा चलाने में, देखो ड्रिफ्टिंग कैसी लग रही है। ओ ये मुंडा डाउन टाउन अभी चुमारे गेड़ियाँ, तो लेट्स गो गाइस चलते हैं, देखते हैं एलविश भाई की मर्सिडीज का कितना ज़्यादा डैमेज हुआ, और पुलिस वालों से सेटलमेंट वेटलमेंट करनी पड़ेगी। बाकी लुकिंग वुकिंग में अपनी गड्डी तो एक नंबर लग रही है, लेट्स गो। जितना आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। हो ये सो गाइस देख सकते हो एलविश भाई की न्यू मर्सिडीज कार का काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ पे भाई पुलिस सब आ चुकी है, भाई साहब देख सकते हो राव साहब की न्यू मर्सिडीज कार का गंदा एक्सीडेंट हो चुका है। ओ नो बीडू लोगो, रे भाई ये क्या हो गया,
ब्लैक कमांडो पुलिस आ चुकी है राव साहब की गाड़ी को उठाने के लिए। भाई एल्विश यादव की गाड़ी बंद हो चुकी है, पुलिस वालों ने उठा ली है। क्या बात तो नहीं है, पर बहुत गंदी बात है ये। भाई साहब सिस्टम सा हैंग हो चुका है, इधर की साइड देख सकते हो तो गड्डी वड्डी पीछे खड़ी है और काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस लग रहे हैं, शीशे वीशे ठप टूट चुके हैं। ओ नो, मर्सिडीज़ कार तो मुझे मतलब खुल सी चुकी है ऐसा लग रहा है मुझे वीडियो लोगों। बाकी पुलिस वुलिस देख सकते हो भाई, अभी तो इधर की साइड घूम रहा हूँ मैं। वकील तक आ चुका है भाई यहाँ पे, भाई काले कोट वाले भाई वकील साहब भी आ चुके हैं गाड़ी को छुड़वाने के लिए। क्या बात है भाई साहब, मतलब सिस्टम तो एल्विश भाई का आप बोल सकते हो। बाकी मर्सिडीज़ कार वो खड़ी देख सकते हो भाई, एल्विश यादव का हो चुका है काफ़ी गंदा एक्सीडेंट यहाँ पे देख सकते हो। ओ नो वीडियो लोगो, रे भाई साहब गाड़ी तो छुड़वानी पड़ेगी, और गाड़ी छुड़वाने के लिए पहले हमें गाड़ी साइड में लगानी पड़ेगी क्योंकि मर्सिडीज हमें दिख चुकी है, अब इसको लेके जाना है। भाई पुलिस वाले फोटो वोटो सब खींच रहे हैं। ओ भाई 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 आराम से खड़ी कर देते हैं इधर अपनी गाड़ी को, और अब आपसे लोगों को आगे का सिस्टम दिखाता हूँ इधर की। ये उतर गए बस भाई साहब, और ये देखो भाई साहब, रे भाई कितना गंदा एक्सीडेंट हुआ, मर्सिडीज का लोगो तक उड़ चुका है भाई साहब। रे देखो 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 आपसे लोगो दिखाता हूँ भाई, ये देखो एल्विश यादव की न्यू गाड़ी का भाई जो है एक्सीडेंट हो चुका है। भाई एल्विश यादव की न्यू सुपर कार का यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है देख सकते हो। भाई एल्विश यादव की जो न्यू मर्सिडीज ली है वो खलास हो चुकी है देख सकते हो यहाँ पे काफी गंदे तरीके से। भाई लोगो कहाँ गया, भाई लोगो उड़ के भग गया है आगे पूरा, ये भी खुल चुका है अपना बोनेट वोनेट देख सकते हो, काफी गंदा एक्सीडेंट हो चुका है। पुलिस वाले यहाँ पे फोटो वोटो खींचते हुए, भाई काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है भाई साहब देख सकते हो। वकील साहब भी आ चुके हैं गाड़ी को छुड़वाने के लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं अभी करवाते हैं सेटलमेंट करवाते हैं। वकील साहब पहुंच चुके हैं, बाकी देख सकते हो भाई ब्लैक कमांडो पुलिस वगैरह आ रखी है। भाई क्या क्या हो रखा भाई यहाँ पे, तो सिस्टम सा हैंग हो रखा भाई काफी गंदे तरीके से, बाकी पुलिस वालों से बात करनी पड़ेगी। और भाई जो ये गाड़ी हुई है भाई होंडा सिटी से एक्सीडेंट हुआ है, होंडा सिटी तो पूरी जल गई है भाई, होंडा सिटी तो पूरी जल के खाक हो चुकी है देख सकते हो। ओ नो वीडियो लोगो, रे भाई क्या खतरनाक एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, इमरजेंसी में एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट कैसे हुआ है कि भाई साहब जो ये हेलीकॉप्टर है यहाँ से उतर रहा था और इमरजेंसी लैंडिंग के द्वारा इन्हें दिखाने के पीछे नीचे रोड है, तो भाई सीधा ये गिरा होंडा सिटी पे, होंडा सिटी के पीछे आ रही थी हमारी मर्सिडीज की बेंच V53, तो भाई वो भी खलास हो चुके। बाकी भगत सिंह का टी शर्ट बता दो कैसा लग रहा, फिर एक नंबर लग रहा ना वीडियो लोगों। बाकी ये देखो भाई साहब बोनेट वोनेट सब टूट चुका, आगे से देख सकते हो भाई मर्सिडीज का लोगो भी पूरा टूट चुका है, आगे से पूरी खत्म हो चुकी है एल्विश भाई की न्यू गाड़ी देख सकते हो। ओ नो वीडियो लोगो, रे भाई भाई ये तो सेटलमेंट काफ़ी गंदा ही हो गया, उधर की साइड देख रहे हो मुंडी भी पड़ी हुई है। ओ रे 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 भाई क्या क्या सेटलमेंट हो गई। बाकी वकील साहब आ चुके हैं हमारी गाड़ी छुड़वाने के लिए, थोड़ी देर में जैसे यहाँ से अप्रूवल मिलेगा कि हमारी कोई भी गलती नहीं थी तो फिर यहाँ से हमें पुलिस वाले जाने देंगे, तो फिर हम लेके भी निकलेंगे अपनी गड्डी वड्डी को भाई आगे की साइड से। बाकी यहाँ देख सकते हो भाई साहब मतलब ये वाटर वाली मशीन सब आ चुके हैं, फायर ब्रिगेड वाले सब पहुँच चुके हैं भाई, आग वाग बुझा रहे हैं अभी भी देख सकते हो, आग जल रही है थोड़ी सी, पर काफ़ी खतरनाक सीन हो गया है। इधर देख सकते हो भाई एक बंदे की मृत्यु भी हो चुकी है, नहीं 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 देखना चाहेंगे हम, काफी गंदी भाई उनकी मृत्यु हुई है। तो भाई साहब ये सारा सिस्टम तो हमें देखना नहीं है, हमें अपनी गाड़ी छुड़वाने के यहाँ से निकलना है क्योंकि भाई साहब एल्विश यादव जो अपने भाई है काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि मेरी गाड़ी पकड़ी गई है वो, तो भाई मेरे को बार बार फोन पे फोन आ रहे हैं, पर उनको मैं एक बार फोटो खींच के भेज देता हूँ कि काफी गंदा ही एक्सीडेंट हो चुका है लोगों। ये तो ये देखो भाई साहब, रे भाई शीशे वीशे सब टूट चुके हैं गाड़ी के देख सकते हो भाई, पीछे वाले भाई साहब भाई खल्लास हो चुके पूरे पीछे से, तो देख सकते हो भाई शीशे वीशे टूट चुके, बाकी साइडों में डेंटिंग पेंटिंग नहीं आई है, ये एक प्लस पॉइंट अपना, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। बाकी भाई पीछे के शीशे वगैरह भी टूट चुके अपनी मर्सिडीज के, चलो अब क्या ही कह सकते हैं भाई, एल्विश भाई को अपडेट दे देता हूँ, और एक बार वकील साहब जैसे अपनी गाड़ी छुड़वाते हैं तो भाई साहब फिर अपनी दोनों गाड़ी लेके चलते हैं यहाँ से। एक को लमार को बुलाता हूँ अभी, या फिर ड्राइवर को, यहाँ पे ड्राइवर तो सैंडी में रहता है जैसे कि आपको बताए, तो एक बार पूरी सेटलमेंट करके फिर आप सब लोगों से मिलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस देख सकते हो एल्विश यादव की न्यू मर्सिडीज कार का काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे देख सकते हो। और नो वीडियो लोगो, भाई पूरी टूट चुकी है आगे की साइड से, शीशे वगैरह भी निकल चुके हैं, तो पुलिस वालों की परमिशन से मैंने कहा कि हम अपनी गाड़ी को तो चेक कर सकते हैं, वो कह रहे हैं वैसे आपकी गलती तो कम ही है, पर भाई मुकदमा होएगा, पूरी जांच पड़ताल होगी कि भाई पीछे से गाड़ी ठुकी इस वजह से होंडा सिटी तो नहीं गई। बाकी देख सकते हो भाई नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ टूट चुकी है आगे की साइड से। ओ नो वीडियो लोगो, रे भाई खत्म सी हो रही है भाई गाड़ी तो, चलो कोई दिक्कत नहीं, पर आराम आराम से अभी तक भी चल रही है। अंदर इंटीरियर में कोई डैमेज आए भाई, इंटीरियर में भी डैमेजेस आ चुके हैं आगे की साइड देख सकते हो भाई, प्लेसमेंट काफी गंदी हो चुकी है। अरे रे 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 रे, पीछे का शीशा टूट चुका है भाई, सारे शीशे तो लगभग खलास ही हो चुके हैं इसके। ओ नो वीडियो लोगो, रे बाकी देख सकते हो भाई पीछे से पूरी खलास हो चुकी है ये गाड़ी भाई साहब, यहाँ पे देख सकते हो जेड प्लस सिक्योरिटी भी हो चुकी है भाई, काफी खतरनाक सीन हो चुका है इधर की साइड भाई। रे भाई इतना गंदा तो नहीं सोचा था, बाकी यहाँ पे देख सकते हो भाई काफी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। ओ नो वीडियो लोगो, इतनी ज्यादा पुलिस वैसे आती नहीं है नॉर्मली, पर ये देख सकते हो भाई आगे से पूरा सिस्टम हिल गया है मर्सिडीज का। ओ नो वीडियो लोगो, रे भाई आगे साइड से बोनेट वोनेट देखो कैसे ऊपर आ चुका है भाई साहब। रे भाई 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 पीछे की साइड
बैठ रही है, शीशा टूट चुका है, लाइटें वाइटें पूरी टूट चुकी है, पर आगे की लाइटें भाई काम कर रही है, अभी भी काम कर रही है, पर देखो प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, नोट से साउंड पहुँच गई है, तो पर कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी तक अलाइनमेंट ठीक है, मतलब आगे की साइड ये भिड़ी है ना, इसकी वजह से ज़्यादा हुआ। देखो लोगो मर्सिडीज़ को, लोगों को देखो भाई, मर्सिडीज़ का लोगो तो पूरा मतलब कि सिस्टम हैंग ही हो चुका, मर्सिडीज़ के लोगों का तो देखा जाए तो एकदम मतलब कि क्या ही बोले भाई, भाई 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 काफ़ी गंदा ही हो चुका है सीन तो। पर कोई दिक्कत नहीं गाइस, अब गाड़ी सुधरवानी पड़ेगी एलविश भाई को भाई, क्योंकि उनके इलेक्शन भी काफ़ी पास में आ रहे, तो वो कोई पंगा नहीं चाहते उसको देखते हुए। बाकी देखते तो भाई मर्सिडीज़ के लोगो पूरा टूट चुका है भाई, मर्सिडीज़ का लोगो देखते तो पूरा टूट चुका है एलविश भाई की गाड़ी का, पर कोई दिक्कत नहीं, चलो देख लेंगे, सेटलमेंट तो करनी आती है तुम्हारे भाई को, अभी करवाते सेटलमेंट वहाँ से, और फिर लेके जाते हैं इसको सीधा बैनिस के पास, बैनिस इसकी पूरी आगे की ग्रिल चेंज होगी और भी ज़्यादा काम होगा, पर वो सेटलमेंट तो कर ही देगा। बाकी पीछे के इंडिकेटर्स देखो, इंडिकेटर्स तो चल रहे हैं, चलो पीछे से तो पूरी सही सलामत है, बस ये जैसे जोर का झटका पड़ा ना तो आगे से मतलब ये साइड वाले शीशे टूट गए और ये पीछे वाला शीशा खत्म हो चुका है, आगे की जो ग्रिल टूटी है वो भी पूरी खत्म हो चुकी है, पर कोई दिक्कत नहीं गाइस, एलविश भाई की जो न्यू सुपर कार है इसका तो हम जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करा के मानेंगे, क्योंकि भाई साहब वो रैली वगैरह में इसी गाड़ी में तो रहेंगे, क्योंकि ये जेड प्लस सिक्योरिटी वाली। बाकी देख लो ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग तो एक नंबर मार रही है अपनी गड्डी, क्या बात है क्या बात है, मतलब सेटलमेंट अभी भी पूरी है, बस इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत करानी है, ज़्यादा खतरनाक तो एक्सीडेंट नहीं हुआ वैसे देखा जाए तो। पर भाई जो ये होंडा सिटी है ये तो पूरी खलास हो चुकी है, पर अब क्या ही कर सकते हैं भाई, ड्राइवर के यहाँ पे अभी छोड़ के आता हूँ इसको, और पुलिस वालों से भी सेटलमेंट हो ही गई है लागे, जब भी हमें नहीं रोक रहे वो, वरना हमें रोक लेते, और हमारे वकील साहब है ही वहाँ पे सेटलमेंट। इधर देखो पूरा बंद करते, अरे भैंस की टेंट मैंने गिरा दिया भाई, यहाँ पे देख सकते हो आगे अपना लगा चुके हैं बोर्ड बोर्ड की, इधर की साइड पूरी रोडें बंद कर दी गई है, काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है। हेलीकॉप्टर वगैरह भी वहाँ पे खड़ा है जैसे कि आपने देखा था, बस अब इसको ड्राइवर की जो कुटिया है वहाँ पे खड़ी करेंगे, क्योंकि भाई साहब वहाँ पे रहेगी एक दिन, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ बैनिस के पास लेके जाएं, क्योंकि पुलिस वाले अभी तो इतने जल्दी अप्रूवल नहीं देंगे हमें, पर जैसे अप्रूवल मिलता है तो फिर इसको लेके चलेंगे और पूरी चंगी बली करा देंगे, फिर एलविश भाई की जो रैली की तैयारी है वो सब भी तो करनी है वीडियो लोगों, क्योंकि उसमें सुपर कार्स वगैरह सारी चीज़ें जाएगी जैसे कि आपको बताई है, तो काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट वाली चीज़ें हो जाएगी। बाकी ड्रिफ्टिंग देख दो अभी भी काफ़ी खतरनाक मारती हुई अपनी मर्सिडीज, एक नंबर भाई साहब मौजवान थी, क्या बात है क्या बात है, सेटलमेंट पूरी है, मतलब एक नंबर, मतलब कि मर्सिडीज तो मर्सिडीज ही है फिर तो। ठीक है, इस फिर आज की वीडियो इतनी रखते हैं, होप करते हैं आपको मजा आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके बताना फिर आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि अभी तो मर्सिडीज जा रही है खड़ी होने अपने ड्राइवर भैया जी के घर पे, ड्राइवर यहीं है नहीं है वैसे मेरे को तो लग नहीं रहा है, चलो फिर जाके देख ही लेते हैं अभी सेटलमेंट वाइज, ड्राइवर का घर इधर ही तो आता है, इसी वाली रोड पर आता है, बिल्कुल मुझे अच्छे से याद है, देख सकते हैं ये आ गया ड्राइवर का घर, रोहन यहाँ पे खड़ा है, और रोहन भाई साहब को बोल देते हैं भाई साहब एलविश भाई की गाड़ी का थोड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, तो सारी सेटलमेंट वो देख लेगा अपने हिसाब से, यहाँ पे अंदर खड़ी करवा देंगे, क्योंकि भाई साहब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो भाई सेटलमेंट फिर करानी मुश्किल से हो जाती है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, रोहन को तो हम बोल देंगे। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो इतने रखते हैं, होप करते हैं आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो वाला लाइक कर देना, जब तक अच्छा हुआ फिर अगली गाड़ी, बाय बाय।